स्विच वर्ड्स जादुई शब्द जादुई वाक्य। दोस्तों पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं आपको, शायद आज का वीडियो एक दो मिनट लंबा हो सकता है, मगर ये जो जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ऐसी जानकारी आज तक बहुत कम लोगों ने आपके साथ शेयर की होगी, जिसे हम जादुई वाक्य कहते हैं, स्विच वर्ड्स बोलते हैं। बहुत सी चैनल पर अलग अलग स्विच वर्ड्स शेयर करते हैं। अभी थोड़े समय पहले मैंने पुणे के एक कपड़े के व्यापारी को व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ उपाय दिए थे, कुछ परेशानी थी तो मैंने उपाय दिए थे। तो एक दिन के बाद उनका एक मैसेज आया कि बोला आपके साथ दो मिनट बात करनी है। तो मैंने उनको समय दिया कि ये समय पर आप मुझे कॉल करें, मैं कोशिश करूँगा आपका कॉल रिसीव करने की। उसने कॉल किया और बोला कि मैं आपके उपाय तो मैंने चालू कर दिए है सब, मगर मैं एक स्विच वर्ड हर दिन बोलता हूँ, तो वो चालू रखूँ कि ना रखूँ। तो मैंने बोला कौन सा स्विच वर्ड आप बोलते हैं? तो उसने बोला हर दिन रिपीट करता हूँ मेरे व्यापार के स्थल पर, मेरी दुकान पर बैठे बैठे ये मन ही मन बोलता रहता हूँ। तो मैंने बोला कौन सा स्विच वर्ड किसने दिया है? तो उसने बताया कि मैंने वीडियो में सुना था, कौन वा लेक्सा। दोस्तों एक नहीं, सौ नहीं, हजारों स्विच वर्ड्स, हजारों जादुई वाक्य, हजारों शक्तिशाली मंत्र, हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में हमें दिया गया है। हमारी अज्ञानता है। आज जो जादुई वाक्य स्विच वर्ड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये स्विच वर्ड्स स्वयं भगवान ने बोला है, अपने मुंह से बोला है और गीता में लिखा हुआ है, जिंदगी बदल देने वाला उपाय है। अगर आप हर दिन ये उपाय करते रहते हैं, ये शब्द रिपीट करते रहते हैं, जपते रहते हैं, कोई चीज का अभाव नहीं रहेगा दोस्तों जीवन में। वो बात पे पूरा भरोसा रखें, क्योंकि स्वयं भगवान ने, कृष्ण ने गीता में बोला है और गीता में लिखा हुआ है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, गीता में लिखा हुआ है। और दूसरा वर्ड, इन वो सब्जेक्ट पर तो, वो विषय पर तो मैं पहले वीडियो शेयर कर चुका हूँ, फिर भी आज आपके साथ शॉर्ट में बता दूंगा वो भी उपाय। इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो एक दो मिनट लंबा हो सकता है, प्लीज़ बिना स्किप करे वीडियो को देखेंगे। इस चैनल की पहली विजिट है आपकी, मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम। ऐसी जानकारी में रुचि रखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाएं, छोटे से प्यारे से परिवार के साथ आप भी जुड़ जाए। वीडियो देखने के बाद छोटी रिक्वेस्ट, नम्र अर्ज, बिना भूले कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखे, आधी शकन का काम है। बाकी गलत कमेंट करने वाले गलत कमेंट करते ही रहेंगे, मैं नहीं रोक सकता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैंने राहु का उपाय शेयर किया था, बाजरे की रोटी का एक उपाय शेयर किया था कि राहु को मित्र बना लो आप। तो एक कमेंट आई थी कि सबसे बड़ा राहु तो तू है, मैं हूँ सबसे बड़ा राहु, सबको ठगने वाला, मैं हूँ सबसे बड़ा राहु। और मैंने जवाब भी दे दिया, थैंक यू वेरी मच ऐसी कमेंट करने के लिए। तो हल्की कमेंट करने वालों को मैं रोक नहीं सकता हूँ, मगर आप महा उपाय कर लें, जय श्री राम लिख दें। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, समस्या का समाधान चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। सिर्फ मैसेज करेंगे, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा, मैसेज करके रख दें।
छोटी मामूली फी पे करनी पड़ेगी। सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी, सिर्फ आप मैसेज करके रख दें। नंबर नोट कर लो, 8732985130। इस नंबर पर मैसेज करके रख दें आप। आपको क्या चाहिए? एक ही मनोकामना जो आपको चाहिए, वो एक ही मनोकामना। मन ही मन बोले, आराम से बैठे, जहाँ भी ऑफिस में बैठे, सुबह उठने के बाद तुरंत ये उपाय कर सकते हैं, रात सोने से पहले ये उपाय कर सकते हैं, दोपहर को जब आप आराम करते हैं तब ये उपाय कर सकते हैं, आपकी ऑफिस में आप फ्री है, आपके व्यवसाय के स्थल पर आप फ्री है, ये शब्द मतलब जपते रहे, रिपीट करते रहे। क्या चाहिए वो भाव मन में बना के रखे कि आपको क्या चाहिए। रुपये चाहिए, नौकरी चाहिए, अच्छा व्यापार चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, क्या चाहिए वो पहले एक मन में भाव बना कर रखे। कोई एक ही इच्छा जो पूरी नहीं हो रही है, दोस्तों ये प्रयोग आप हर दिन करें, लगातार करें, कंटिन्यू करें। दिन में जब भी याद आए आप एक छोटा मंत्र, छोटा शब्द अब बोलते रहे, जो भगवान ने स्वयं के मुख से दिया है हमें। ओम तत् सत्, बस ओम तत् सत्, ओम तत् सत्, ओम तत् सत्। मगर मन में जो आपको चाहिए वो भाव बना के रखे। रुपये चाहिए, पैसे चाहिए, ओम तत् सत्, ओम तत् सत्, ओम तत्सत, ओम तत्सत। रटते रहे, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, ओम तत्सत। अब ऐसा ही दूसरा जादुई शब्द है, तथास्तु। ये प्रयोग आप सुबह में करेंगे, सॉरी सुबह में प्रयोग करेंगे आप, उठने के बाद करेंगे, रात सोने से पहले करेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को देखें, जो भी मनोकामना है वो मनोकामना, जो भी आपके इष्ट है, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी धर्म से, जो भी इष्ट है आपके, हनुमान जी को मानते हैं, शिव को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, जो कोई भी पंथ से है आप, कोई भी गुरु है, कोई भी इष्ट है, उन्हें याद करें। जो भी चाहिए वो मन ही मन प्रार्थना करें कि मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे बीमारी में से मुक्ति चाहिए, मुझे कर्ज में से मुक्ति चाहिए, मुझे और रुपये की ज़रूरत है, मुझे और रुपये चाहिए, मन ही मन प्रार्थना करें। और दोनों हाथ अपने सर के ऊपर रखे, तीन बार बोले तथास्तु तथास्तु तथास्तु, तीन बार बोलना है तथास्तु। तथास्तु शब्द का अर्थ क्या है? जब देवी देवता वरदान देते थे तब तथास्तु कहते थे। तथास्तु मतलब जो सोचा है वो मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा, तथास्तु। दोस्तों दोनों उपाय साथ में कर सकते हैं, कोई एक उपाय करें, समय की कोई पाबंदी नहीं है, भूल जाते हैं, घबराने वाली बात नहीं है, मगर जब भी याद आए तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत बोलते रहे, दिव्य लाभ देने वाला उपाय है। अगर कोणवा लेक्सा से आपको फायदा मिले ना मिले वो अलग बात है, मगर ये जो हजारों साल पहले भगवान ने स्वयं के मुख से हमें जो दिए हैं, जो स्विच वर्ड दिए हैं, सभी स्विच वर्डों का बाप है ये स्विच वर्ड।
दोस्तों हमारी अज्ञानता है कि हम कौन वाले अलेक्सा बोलते हैं। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, दिल से थैंक यू। खुश रहे, प्रसन्न रहे, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।